हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन आज सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अतिरिक्त जो है वो कॉपर इंडस्ट्री है, अलूमिनियम इंडस्ट्री है, उनका अध्ययन किया था। जहाँ तक सीमेंट इंडस्ट्री का सवाल है, ये इंडस्ट्री है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्व रखती है, और हमारा जो सीमेंट का उत्पादन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करता है। परिणाम तो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। और जहाँ तक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री का वर्णन करेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अभी तक अपन ने जितने पढ़े हैं धातु खनिज और धातु खनिजों पर आधारित उद्योगों के बारे में अध्ययन किया है, ये इंडस्ट्री है जिसमें किसी प्रकार का खनिज मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही एज ए रॉ मटेरियल और ना ही एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में किसी भी रूप में। और इट्स मेजर रॉ मटेरियल आर लाइमस्टोन एंड कोल। कोयला जो है वो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, और ये भी जो है पर्यावरण की दृष्टि से सीमेंट इंडस्ट्री पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि प्रदूषण काफी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन में एक बड़ा योगदान रहता है इंडस्ट्री का। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट एंड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, मैंने भी डिस्कस किया था। और भारत में जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन पोरबंदर गुजरात 1994, परंतु जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था भारत में, पोरबंदर पहला लगा था, मगर जो पहली प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो इन मेड्रास 1994, ईयर वही था 1904 के अंदर जो है चेन्नई, जो आज की कहते हैं हम लोग, वहाँ से पहला सीमेंट उत्पादन प्रारंभ हो गया था भारत के अंदर। अब डिस्कस किया था अपन ने, इसमें किसी प्रकार के खनिज इस्तेमाल नहीं करता, लाइमस्टोन कोल इज अ मेजर वो है, और लाइमस्टोन और कोल की उपलब्धता एक समस्या बनने के कारण वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट द रॉ मटेरियल दैट हैव बीन एमर्ज एज अल्टरनेटिव तौर पे जो है, इनका अल्टरनेटिव तौर के जो है ओशन सेल्स में इस्तेमाल करने लगे हैं। और परिणाम तो जो है ओशन सेल्स और सागरीय जो ये सेल्स वगैरह के कारण जो है नई इंडस्ट्री स्थापित हुई है, वो कोस्टल एरियाज में बनने लगी है। उसमें जो है वो इंडस्ट्रीज जो है इन द्वारका, गुजरात, त्रिवेंद्रम इन केरला एंड चेन्नई तमिलनाडु, दीज प्लांट्स आर बेसिकली रॉ मेटल जो यूज करते हैं ओशन सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण है। नाउ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री विद मॉडर्नाइजेशन एंड द टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग हैज बिकम द कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्री। और ये क्योंकि उत्पादन काफी हो रहा है दुनिया में, हम इसकी निर्यात भी कर रहे हैं, तो उस दिशा से इसका जो है वो मॉडर्नाइजेशन काफी तेजी से हुआ है। काफी फास्ट तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने इसके अंदर एंट्री की है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो है दूसरे देशों के साथ भी हमारा कोलाब्रेशन काफी हुए हैं। एट प्रेजेंट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड द बेंचमार्क इन द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस आर मेट एंड द इंडिया एज इज एबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारा मॉडर्नाइजेशन के कारण और हमारा जो गुणवत्ता की दृष्टि से जो है भारत में उत्पादन होने वाला सीमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट आउट करता है, और मीट आउट करने के कारण ही जो है वो दूसरे देशों में हम आसानी से निर्यात करने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, भारत जो है वो वर्तमान में इसी कारण जो है क्योंकि हम मीट आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, तो अग्रणी देशों में से एक है भारत। जहाँ एक दशक पहले भारत में सीमेंट का आयात किया जाता था, 1 मार्च 1989 को मूल्य वितरण में पूर्ण का नियंत्रण हटाने तथा सुधारों में लागू किए जाने के बाद सीमेंट उद्योग का अत्यंत तेजी से विकास हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट है, 1 मार्च 1989, और इसके बाद जो है काफी तेजी से इंडस्ट्रीज ने जो मार्केट खोल गया, मार्केट और लेबलाइजेशन के कारण जो है वो इस उद्योग को बड़ा फायदा हुआ है। जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है चूना पत्थर क्ले मान किया जाता है कच्चे माल में, इसके अतिरिक्त जो है जिप्सम है, मैंने कहा था कोयला है, शेल आजकल वर्तमान में कहा है,
और ये कोयला जिप्सम सुदूर भागों से मंगाया जाता है तथा तो सीमेंट की जो आपूर्ति दूर दूर तक फैले उपभोक्ता केंद्रों तक की जानी जाती है, क्योंकि ये जो सीमेंट की मांग है वो इंटीरियर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से ले ग्रामीण क्षेत्रों छोटी ढाणी से लेके और मेट्रो तक मेगापोलिस तक सब जगह जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत जरूरी है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। भार भी बहुत होता है, तो इसे जो जितने भी प्लांट लगाए हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री के जो प्लांट लगे हैं वो रेल मार्गों के समीप हैं, ताकि उनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान सीमेंट का जो है वो स्थानांतरण आसानी से किया जा सके, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसके अंदर जो है उद्योग स्थापना में ट्रांसपोर्ट भी इस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए जैसे भद्रावती एवं चाईबासा बिहार के संयंत्रों को धातु मल तथा सिंदरी संयंत्र में आपका प्रयोग किया जाता है। भारत में अनेक राज्यों में चूना पत्थर उपलब्ध है, किंतु महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश तथा उत्तरी जलोढ़ के मैदान बेसाल्ट जो उत्तरी भागों में स्थित सीमेंट संयंत्र चूना पत्थर पर निर्भर नहीं रखते। दादरी हरियाणा के अंदर डालमिया संयंत्र में कंकड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑल्टरनेट धीरे धीरे आने लगे हैं। जहाँ तक स्टेट वाइज अगर हम भारत में जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनकी एक कैटेगरी लें तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड होल्ड 23 सीमेंट प्लांट्स इन अ स्टेट। बहुत बड़ा है इसके अंदर, और इसका कारण भी है कि इसमें मध्य प्रदेश के अंदर से जो है रॉक वाला जो पार्ट है और अरावलीज का पार्ट भी, और उस तरफ जो है विंध्याचल वाला पार्ट से, तो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। 23 प्लांट जो है एक ही स्टेट में लगना काफी बड़ी चीज है। फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, दूसरा जो है आंध्र प्रदेश है विच होल्ड्स 19 प्लांट्स, राजस्थान विद 15 प्लांट्स एंड गुजरात। ये दोनों गुजरात एंड जो है राजस्थान जो है वो दोनों इसके बाद महत्वपूर्ण है। राजस्थान भी बहुत एक मेजर प्रोड्यूसिंग है सीमेंट का, और जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनियां हैं वो उनके सबके प्लांट राजस्थान में, ब्यावर बहुत बड़ा एक सेंटर है, चित्तौड़ बहुत बड़ा सेंटर है सीमेंट प्लांट लगाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के अंदर मेजर सेंटर्स जो है कटनी है, जमूर है, सतना है, दुर्ग है, मेहर है, नीमच है। आंध्र प्रदेश के अंदर मेजर जो सेंटर्स हैं जहाँ पर सीमेंट प्लांट लगा हुआ है विजयवाड़ा है, करीम नगर है जो है सीमेंट नगर है, कृष्णा है, आदिलाबाद है। राजस्थान के अंदर मेजर सेंटर्स आर चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, महापुर, और हमारे यहाँ ब्यावर में भी 3-4 सीमेंट के प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। नेक्स्ट जैसे कर्नाटका मेजर सेंटर्स जी भद्रावती, गुजरात जो मेजर सेंटर्स है पोरबंदर, झारखंड जो है मेजर सेंटर है सिंदरी है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर सेंटर है चुरकेन ढाला है, पंजाब का जो मेजर सेंटर्स है वो भूपेंद्र नगर है, महाराष्ट्र का जो मेजर सेंटर है वो चंद्रपुर है, वेस्ट बंगाल का मेजर सेंटर है दुर्गापुर है। दी आर दी 10 मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया जो रैंकिंग वाइज अपन ने किए हैं, और इनके अंदर जो मेजर प्लेस है वो जहाँ पर वो सीमेंट का उत्पादन होता है वो है। तो वर्तमान में जैसे अभी मैं डिस्कस किया था 107 बड़े संयंत्र हैं टोटल मिला के अगर देखते हैं तो, जिनकी उत्पादन क्षमता जो है वो 79 79 मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त लगभग 250 से 300 छोटे सीमेंट कारखाने हैं जिनकी क्षमता लगभग 7 मिलियन टन है। 1995-96 में 69.31 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में स्थित सीमेंट उत्पादन केंद्रों का विवरण इस प्रकार जो अभी टेबल अपन डिस्कस किया था। भारतीय सीमेंट उद्योग ने केवल उत्पादन के स्तर पर विश्व में दूसरा स्थान रखता है बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता है वह सीमेंट के उत्पादित करता है। विकसित जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ इन उद्योगों को ऊर्जा ईंधन की बचत करते अपनी कार्य क्षमता का सुधार लाने और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान में मदद मिली है, और समस्त घरेलू मांग को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग सीमेंट में जो एक मेजर जो है वो एक्सपोर्टर के तौर पर वो प्रोडक्ट है जो कि हम दूसरे देशों को नियर बाय कंट्रीज को तो हम काफी बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। यहाँ तक 10वीं 10th जो प्लान था 10वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए सीमेंट उद्योग पर कार्यदल ने तथा भारतीय सीमेंट उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा
इंटरनेशनल मीट आउट कर स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने में, अन्य आदमियों ने ऊर्जा की उच्च लागत, उच्च माल भाड़ा लागत, अपर्याप्त ट्रांसपोर्टेशन, अपर्याप्त संरचना तथा कोयले की दयनीय गुणवत्ता जैसी बाधाओं को चिन्हित किया है। ये भारत में जो है इस इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो समस्याएं हैं। अतिरिक्त क्षमता अर्जन के दीर्घ अवधि कोयला लिंक का अभाव बाधा डालते हैं। सीमेंट उद्योग के मौजूदा स्थिति अत्यधिक उत्पादन क्षमता के उपयोग के क्रम में सरकार ने मांग में वृद्धि के लिए निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है। और जो हमारे यहाँ पर क्योंकि काफी सारे प्लांट लग रहे हैं तो मार्केट भी डेवलप करना बहुत जरूरी है, डिमांड भी, और ये डिमांड जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कर ही रहे हैं। और देसी हमारे भारत के अंदर भी इसमें एक मार्केट डेवलप करना था और सीमेंट की जो है मांग को बढ़ाना था। उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने जो है विकास की योजनाएं जो की हैं और उनमें सीमेंट का उपयोग बढ़ाया है। आवासीय विकास कार्यक्रम में गति देने हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो हाउसिंग स्कीम जो चल रही है उनमें उनके लिए सीमेंट का, इन प्लांटों से सीधा सीमेंट आता है। अब वर्तमान में क्योंकि तारकोल की रोड जो है वो पानी से टूटते थे, तो अब धीरे धीरे जो है कंक्रीट के साथ राजमार्गों का, सड़कों को बढ़ावा, सीमेंट के प्ला इसके लगाने में, रोड बनाने में अब इसको कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस दिशा के अंदर। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कंक्रीट मिश्रण में इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री जो मैंने अभी कहा था प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट की जो जो पहले जो तारकोल की सड़कें थी, अब क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि सीमेंट का उपयोग भी बढ़े और उसकी गुणवत्ता भी रहती है रोड की, और उसकी जो अवधि है वो भी काफी लंबी होती है, तो क्षेत्रों के अंदर जो है वर्तमान में जो है वो सीमेंट कंक्रीट के जो है वो रोड्स बनाए जा रहे हैं जो काफी सहायक है। इंडिया ओनली 20% कंपनीज आर डोमिनेटेड द सीमेंट इंडस्ट्री, विच अकाउंट ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। ये 20 कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में मिला के जो है, और 70% इसी का ही उत्पादन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे मैंने डिस्कस किया था यार, वो स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज एमिंग फॉर 100 स्मार्ट सिटीज। जो अभी ये कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट सिटीज का, तो ये जो स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है जो 100 सिटी डेवलप कर रही हैं, इसमें इस सीमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा क्योंकि इन स्मार्ट सिटीज के अंदर जो डिमांड आएगी और उस डिमांड को मीट करने के लिए इस उद्योग को भारी प्रोत्साहन मिल रहा है और काफी फायदा होगा। और जब ये स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट होगा तो रेलवेज का नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन में डेवलप का, हैंडलिंग का है, स्टोरेज का है, ईज ट्रांसपोर्टर सीमेंट रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमेंट जो है वो ऐसी पदार्थ है जो कि जहाँ फैक्ट्री से निकलता है और जहाँ उपयोग में लाता है उसके बाहर में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, सेम रहता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दीज मेजर्स वुड लीड टू द इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी हियर बाय बूस्टिंग द सीमेंट एंड डिमांड इंडस्ट्री। कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेसिकली जो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि इस इंडस्ट्री को भी बड़ा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उससे इस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा और इसका विकास तेजी से होगा। जहां तक पर्यावरण का संबंध है, इस इंडस्ट्री के कारण जो है हमेशा लिटिगेशंस रहते हैं, इन प्लांट्स पे रहते हैं और है भी ये, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा उत्पादन करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको इस सीमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ट्रकों की भी जरूरत पड़ती है, तो पर्यावरणीय दृष्टि से हमेशा ये इंडस्ट्री काफी विवादों में रही है। और इसी दिशा में जो है वो काफी प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण के जो मापदंड है उनको पूरा किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए 1 टन अगर सीमेंट का उत्पादन करना हो तो एटलीस्ट हाफ ए टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होती है, और सीमेंट जो है वो उसको उत्पादन करने के लिए तापमान जो है, आपने अगर विजिट किया है तो जो सीमेंट का जो प्लांट है उसमें तापमान काफी बढ़ाया जाता है, वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ले जाते हैं, और उस परिस्थिति में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप्ड इन द लाइमस्टोन कम्बाइंस विद द ऑक्सीजन एंड रिलीज एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है जो है वो, यही एक गैस है जो इसी मात्रा बढ़ने के कारण जो है
एक नुकसान पर्यावरण को काफी तेजी से नुकसान हो रहा है। नाउ इसके लिए एक पर्यावरणविद ने भी इसके लिए अल्टरनेटिव सीमेंट का जो है अल्टरनेटिव जो है वो जैसे कोयले के लिए है ऐसे ही जो रॉ मटेरियल के लिए ऑल्टरनेट क्या रहे हैं इसके लिए जो मैनी सीमेंट मेकर्स आर मेकिंग वर्किंग टू कट आउट द अमाउंट ऑफ द क्लिंकर। ये जो पदार्थ है ये की रॉ मटेरियल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स इन देयर सीमेंट व्हाइल अदर सम अदर्स आर लुकिंग एट द सब्स्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश जो चिमनी से निकलती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं भट्ठों से निकलती है वो चिमनी इसका इस्तेमाल करने से इसको अल्टरनेट के तौर पर लेने की कोशिश जिससे कि पर्यावरण की दृष्टि से काफी फायदा हो सके। एंड द हाई कॉस्ट ऑफ द ग्रीन फॉर्म ऑफ द सीमेंट मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू कंज्यूमर्स टू यूज इट एज अल्टरनेटिव सच एज द जियो पॉलीमर सीमेंट। ये अगर जियो पॉलीमर सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्टली बहुत पड़ेगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उपभोक्ता तक जब पहुंचेगा तो डिमांड इसकी कॉस्ट काफी रह जाएगी। ये एक बड़ी समस्या है। इट कैन फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू मेक ग्रीन हाउस गैसेज आउट ऑफ द बिल्डिंग रोड्स एंड द ब्रिजेस। ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।